हेलो गाइस, पता है प्रियांश के पापा ना एक एक्स्ट्रा फोन रखे हैं जो घर पर रखते हैं और जो अपने साथ लेते गए हैं। तो प्रियांश अपसेट होकर कॉरिडोर में आया, कह रहे हैं पापा मुझे ना मोबाइल दे दीजिए, मैं कैसे खेलूंगा। और मैं तो अपना फोन इसको देने से रही, तो आज प्रियांश का खेल हो गया ओवर। प्रियांश को पनिशमेंट मिला, मुझे ना पागल बोला, इसलिए मैं से उठक पटक करा रही हूँ, ये रो रो के उठक पटक किए जा रहे हैं एंड बहुत अपसेट भी हो गया है। पर पनिशमेंट जरूरी था तो पनिशमेंट आज मिला है इसे। प्रियांश क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आज क्यों रो रहे थे राजा? बताओ। क्यों? बताता हूँ मैं। बताओ। तो मैं छोटे घर में रहूंगी। छोटी वाली खैर मुझे खरीद के दो, क्या पापा को दुबई की सबसे बड़ी इमारत में घर खरीद के दो, के उस बड़ी वाली इमारत का नाम क्या है? बुर्ज खलीफा ना प्रियांश? आज प्रियांश मुझसे क्यों गुस्सा हो इतना? अच्छा तुम बड़े घर पे चले जाओगे तो फिर ना तुम्हारा खाना कौन खिलाएगा, तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, तुम्हारे कपड़े कौन धोएंगे, सारा काम तुम्हारा कौन करेगा? मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खुद से कर लूंगा काम। सारा काम खुद से कर लोगे? बड़ा हो जाओ। मुझे नहीं ले जाओगे? नहीं। ठीक है ठीक है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, दे नानी के घर जा रही हूँ। प्रियांश का बहुत ज़्यादा मन था पार्क जाने के लिए, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी तब, और शाम को 5 बजे ट्यूशन था ना, तो आज मैं ना 4 बजे ही से पार्क लेके आ गई हूँ। तो इसके साथ प्रियांश को देख रही हूँ ना, इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो मैं आज तक इसमें चढ़ी नहीं हूँ ना, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैं सक्सेस नहीं हुई, तो फिर वापस बैक टू चढ़ने नहीं गया। प्रियांश यहाँ पे आराम से एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करने के बाद वो पार्क में अंदर तरफ जाएगा, उसे बहुत पसंद है पार्क में आने के बाद, इसी में पहले चढ़ता है। अब प्रियांश की दौड़ स्टार्ट हो गई है और दौड़ते हुए आकर वो अब झूला झूलने जाएगा। प्रियांश का खेल स्टार्ट हो गया, पार्क में एंट्री मिल गई है, प्रियांश पार्क में अब खेलने के लिए पहुंच गया। अभी कोई बच्चे नहीं आए हैं तो मैं भी झूला पे बैठ गई हूँ एंड प्रियांश को देखिए झूला झूल रहा है, मुझे कह रहा था झूला झुलाने के लिए, फिलहाल तो कोई आया नहीं है तो मैं ना झूला में बैठ के इंजॉय कर रही हूँ, कोई आया नहीं है। 5 बजे के आसपास शाम को भी निकलेगा, थोड़ी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू। प्रियांश का गेम ओवर, अब हम जाएंगे घर, प्रियांश का ट्यूशन का टाइम भी होने लगा है, चला जाए प्रियांश? कोई बात नहीं है, चलो। क्या हो रहा है प्रियांश? अच्छा, एक एक लकड़ी का पिल्लर टाइप का था ना, तो किसी ने तोड़ दिया, तो वही बता रहा है। कूद गए? चलो
ये डॉगी हाउस किसी ने बनाया है, यहाँ पे ये डॉगी सब रहते हैं। इतना इजीली अपने घर नहीं जाता, पूरे रास्ते कूदते फांदते हुए जाता है। इसका लाइफ एग्जांपल वही है। चल दी, मैंने ही तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया है। कल वो होमवर्क किया नहीं था, आज वो होमवर्क किया है, तो 4 बजे उसकी होमवर्क कम्प्लीट हुई है। निकलते निकलते मतलब तो टाइम हो गया, उसके बाद ना हम लोग आए हैं, 5 बजे उसका ट्यूशन है। तो कह रहा है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, आधा घंटा भी क्यों जा रही हो, मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है। सीख रहे हो, प्रियांश का फ्रेंड है ये। प्रियांश जाओ, बाय। हेलो गाइस, प्रियांश अभी ना आया तो वॉशरूम यूज करके जा चुका है। मैं अपना चाय तैयार करके पी रही हूँ, पूरा आधा पी चुकी हूँ, थोड़ा सा बाकी है। और करेले आलू का भुजिया काटी हुई है, उसको बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और एक कोई अलग सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। पर अभी ना प्रियांश जैसे ही आएगा उसको मेरे को डांस क्लास नीचे लेके जाना है। डांस करेगा 1 घंटे का डांस क्लास का क्लास करेगा, उसके बाद फिर से उसकी छुट्टी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।